सूरज देवता भी आ गए हैं। ये अपना टेंट है, मैट है, ये लैपटॉप है, ये रक्सेक है। तो मैं जा रहा हूँ पोड़ी करने, बोतल पड़ी, बोतल भरूंगा रोड के उस पार। क्या हो गया दैया, दुकान खोल ली क्या यार? और क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो ट्रैवल में साथ के साथ अपना इवन की चाय भी बना दूंगा, दिन तो छोले भी बना दूंगा और मैं भी खा के जब जाऊंगा। देखो कलर कैसे लग रहे छोले बताओ? अरे बहुत बढ़िया है। ये चारपाई है, इस चारपाई पर अपना सो जाएंगे। और ये कुछ ऐसा ढाबा है, ये रहा। क्या वो सिलेंडर फंस गया? बॉडी खराब हो गई बॉडी। तो ये देखो सारा लगेज है, सैडल बैग है और रक्सेक है, टेंट है, दूध का डोलू है, ये सब आएगा इस पे। और ये सिलेंडर इसमें लग रहा है, ये हमने भरवा रखा है, घेरे भरवा रखे हैं, घेरे सिलेंडर के लिए डाल। हाँ ऐसे करके ये रख दिया इसमें। हमारी जो बाइक है वो पूरी पूरा लोड कर दिया हमने और हम पूरी तरह से रेडी हैं जाने के लिए। अभी टाइम हो गया है 12:30 हो गए हैं, अभी हम निकल रहे हैं सोनीपत हरियाणा से। इस पे हम दो बंदे जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे पीछे वाला बंदा तो एकदम सोफे की तरह हो गया, उसका एक हाथ यहाँ रखेगा, एक हाथ यहाँ रखेगा, सिंहासन हो गया पूरा। ये अपना टेंट है, मैट है, ये लैपटॉप है, ये रक्सेक है, ये है कैमरा स्लाइडर और ये है छोटा सिलेंडर, इसमें पानी, ये सैडल बैग हैं। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट के सफ़र में। ये चालू हो गया भाई KMP। यात्रा का पहला स्टॉप और एक ढाबे पर रुके हैं, नाना दाल और कड़ी। ये देखो या कड़ी या दाल। छः बज गए हैं और अब बारी है मुबारक के चलाने की, क्योंकि मैं दिन में थोड़ी तेज चलाता हूँ, ये शाम को थोड़ी धीरे चलाता है। तो अभी 50-60 की स्पीड चलाएगा, मैं रेस्ट करूँगा, आराम से बैठूँगा और एक दो घंटा और राइड करेंगे, उसके बाद जहाँ जगह मिलेगी वहाँ सो जाएंगे। रात का ठिकाना अरे यो ढाबा है, लखनऊ के 70-80 किलोमीटर रहने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है भीतर, आड़ पड़ा है एक तकत, उस तकत पर अपना स्लीपिंग मैट बिछाऊंगा और अपना ओढ़न तई है स्लीपिंग बैग, उसमें बढ़ के सो जाऊंगा। या मोटरसाइकिल रही अपनी, उस तक बच जाएगा सामान और उड़ा सोएंगे। अभी हमें एक ढाबे पर सुबह सुबह का टाइम है, हम कल रात को यहीं पे रुक गए थे। ये हमारी बाइक खड़ी है और ये अपने दैया साहब स्लीपिंग बैग लेके सोए हुए हैं। और दैया साहब, अरे दैया साहब उठ जाओ यार, 7 बज गए, चले फिर आगे चलते हैं। अभी क्या टाइम हो गया? 7 बज गए। आज का अगला स्टॉप कहाँ है? आज का अगला स्टॉप बंगाल तक पहुंच जाते हैं, बॉर्डर तक। ऐसे रोड साइड बहुत सारे ढाबे हैं जिन पर आप खाना खाओ हो और रात में सो सको हो। तो 2:30 तकत पर हम सो गए थे, इन ऑर्डर का भी दिया और इन दौरे खाना खाया। अंदर वो मुबारक का सामान पैक करना लग रहा है और
मोटरसाइकिल रेडी है। लग 7 बज गए हैं। ये मेरा विंडचीटर पड़ा है, ठंड हो गई है तो ये पहनना पड़ेगा। अगला दिन और यात्रा की शुरुआत होगी है। लेखा है प्रभु का नाम। चले ठीक है भाई, धन्यवाद। कोशिश ये है कि बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर लें आज ही। सूरज देवता भी आ गए हैं। रोड ठीक ठाक है। मैं देखूंगा यार, जिसने सोनीपत की तरफ ताना हो ना तो इस रोड में होता है KMP, फिर यमुना एक्सप्रेसवे पूरे का ही हो। थोड़ा सा लंबा रूट है लेकिन बढ़िया रूट है, पहुंच जाओगे टाइम तय। और रोड कंडीशन भी खराब तक है भाई, रोड बनने लग रही है तो जाती। बढ़िया ही चाय पिला दीजिए, बढ़िया वाली। ये निकाल के बढ़िया वाली यादव जी चाय पिलाइए एक दो। यार पोटी करनी यादव जी, पोटी। उधर चला जाऊं, पानी कहाँ है फिर? हैं? बोतल कहाँ? बोतल है? अच्छा वो पड़ी कहाँ से? वहाँ चला जाऊँ है? अंदर जंगल में है, जगह है। यादव जी कह रहे हैं यहाँ से बोतल भरिए और उधर जाइए, तो मैं जा रहा हूँ पौड़ी करने। वो बोतल पड़ी, बोतल भरूँगा रोड के उस पार। क्या हो गया दैया, दुकान खोल ली क्या यार? और क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो ट्रैवल में साथ के साथ अपना इवन की चाय भी बना दूंगा, दिन तो छोले भी बना दूंगा और मैं भी खा के जब जाऊंगा। दुकान क्या खोल ली यार, रोड पे ही भाई की दुकान देखी थी तो चले अपने हाथ के छोले बना के खा लियो। तो कई दिन हो गए ढाबे पे, तो कई दिन के दो टाइम ढाबे पर खाना खा लिया। मेरे चौकी घनी सुनाई और पेट और पीछा दोनों चला है भाई। आज ये भाई की दुकान है एक रोड पे, तब मैं ये छोले उबाला था, जब चाह पीणते ही रुके। मैंने सोचा आज इसके छोले बना दूँ, मैं बनाऊँ छोले और चावल। प्याज देना इसमें हल्दी डालो। हाँ भाई सत्या, कहाँ तक पहुँचे? 3 से 4 मिनट में बन जाएंगे। ये देखो कलर एक नंबर का, इसके ग्राहक आज खा जाएंगे, कल फिर ढूंढेंगे सत्या ने कित गया उसे छोले चाहिए टेस्ट में। फिर क्या होगा, इसने बनाने सिखाए हैं। अच्छा। अगर कोशिश करेंगे ये भैया तो भैया बना लेंगे। देखो कलर कैसे लग रहे छोले बताओ। अरे बहुत बढ़िया है, कमेंट करके बताओ कि छोले कैसे लग रहे हैं। आज हरियाणा का छोरा यहाँ पे आके लखनऊ में तड़का लगा रहा है, लखनऊ में आके। अब देखते हैं कैसा बनेगा। यादव जी बोल रहे हैं कि दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं छोले, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही बढ़िया बना है, लजीज एकदम। बढ़िया छोले है भाई, एक नंबर के उमदा। जो चावल बनाए थे भाई वे आधे घंटे में ख़त्म हो गए। और मैंने इस तरह बताई है कि जो मैंने बनाई नू है बनाई है, और गारंटी है कि एक हफ्ते बाद से पतीला भर के बेचा करेगा, यानी कि सेल बढ़ जाएगी। ये देखो पतीला दिखाऊंगा ख़त्म। ये रे ख़त्म। 11 बज गए हैं, वो छोले बनाने के चक्कर में लेट हो गया हूँ।
और आज कोशिश है बीआर क्रॉस करने की। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यो देख लो बावली पूछ, औरन भी सुन लिया करे, यो देखता भी कौन ना। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कितना पड़े लखनऊ सोनीपत से? 565 किलोमीटर। मैं थक गया था भैया, अभी मुबारक चलाऊंगा। एक बार और दिखा दी, चोर देगा सामान, गैस का सिलेंडर, इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सब्जी बनाती या गर्म ठंडे पानी की बोतल है, ये पानी की 5 लीटर की बोतल, ट्राईपोड, लैपटॉप के ऊपर बंद रहा, खोल के ना देखे, उड़े खोल के देखेंगे, ठीक ठाक है। 2 कैमरे के बैग हैं, स्लीपिंग बैग, मैट, और भैया अपना चमक छल्लो। ये बाव का मजा, आए हाय आए हाय, पीछे बैठ तो सोफा, या भाई इतनी कंफर्टेबल सीट है पिछली जनू सोफा है। आज का टारगेट लेके चलने हैं, 400 किलोमीटर और रह रहा है, अगर पहुंचे तो मुजफ्फरपुर। अयोध्या पहुंच गए हैं भाई, उस रूट पे अयोध्या है, एक सामने गोरखपुर, 142, मुजफ्फरनगर 434 किलोमीटर रह गया। फुल तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पर, और रात के 9 बजे तक गाड़ी चलाया था, और लगभग हमने कल से आज तक 1000 किलोमीटर की राइड कर ली है कंप्लीट, मतलब हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। अभी हम हैं ढाबे में, खाना वाना खा लिया है और ये चारपाई कब्जा ली है। हाँ भाई सत्या भाई, जो कल की कसर थी आज पूरी कर दी। कल लगभग 350 किलोमीटर बाइक चलाई थी, आज चला दी 650 किलोमीटर, यानी कि हमारा टारगेट था रोज़ का 500 किलोमीटर बाइक चलाने का, तो ई टोटल हो गई है 500 किलोमीटर रोज की बाइक। कल आज है ये इस ढाबे पर, ये ढाबा है मुजफ्फरपुर तक 100 किलोमीटर पहले, कल रुकेंगे सिलीगुड़ी, और खाना खा लिया है, ये चारपाई है, इस चारपाई पर अपना सो जाएंगे, और ये कुछ ऐसा ढाबा है